ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। उसको बजाबते लाकर यहाँ नीतीश कुमार रखे हुए है और ये दंगाई है बढ़ावा दे रहा है। फुलवाड़ी को नए सिरे से बदनाम करके 2024 का रिहर्सल चल रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करो और यहाँ वोट की राजनीति करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत बड़ी खबर के साथ आए कि पीएफआई के दो कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर इल्जाम लगाया गया है कि कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के मंसूबे जाहिर होते हैं। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं इस पर इस्लामिक मुल्क 2047 लिखा हुआ है और आज पूरे न्यूज चैनलों पर इसी का तबसरा करते हुए देखा जा रहा है। कुछ चैनलों ने तो भारत में शरिया कानून लाने की कोशिश तक की हेडलाइन लगा दी। पिछली खबरों पर नजर डालते हैं। आप खुद ही यूट्यूब पर जाकर पॉपुलर फ्रंट को क्लिक कर देखेंगे तो मुस्तकिल आपको वीडियोज की एक फहरिस्त आ जाएगी जिसमें तकरीबन फसादात को पीएफआई जिम्मेदार होने की खबरें चलाई गई है। खैर, अब दो अपराधों की गिरफ्तारियां अमल में आई है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज दोनों को पुलिस हिरासत में लिया गया तो इसकी तहकीक भी होगी। पॉपुलर फ्रंट को लेकर जो खबरें चलाई जा रही है तो इसका दूसरा पहलू भी बयान करने वाली आवाजें उठ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गोपाल रविदास ने आज बड़ा इल्जाम हुकूमत पर लगाते हुए कहा कि फुलवारी शरीफ के साथ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आज की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। एक और बयान एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस और पीएफआई को एक ही तरह के बताते हुए आरएसएस के तरबियती कैंपों का जिक्र किया जिस पर भी बवाल हो रहा है। आप सभी को इतना जरूर पता होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के साथ दलित पिछड़े तबकात पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। इनके हक में खड़े होने वाली तंजीम के तौर पर जाना माना जाता है। कोरोना हो या बाढ़ जैसी कुदरती आफतों में बढ़ चढ़कर काम करते हुए पीएफआई के कारकुनान को देखा गया है। जाहिर है जब मुसलमानों की तंजीम इदारों का जिक्र आता है तो अक्सर इन्हें देशद्रोह से जोड़ दिया जाता है। लिहाजा आज की गिरफ्तारियां एक कानूनी मामला है और जैसे जैसे वक्त जाएगा सच्चाई भी शायद मंजरेआम पर आ सकती है। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी कहे, दौर सोशल मीडिया का है और सच्चाई सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लग सकता। तकरीबन सभी लोगों के जहनों में पॉपुलर फ्रंट दहशतगर्द तंजीम होने के जहन बना लिया होगा क्योंकि खबरें भी इसी तरक्की और इसी सिमत में चलाई जा रही है और सुबह से शाम तक इस तरह की खबरें चलती हैं तो जहन भी इसी तरह का बन जाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुस्लिम तंजीम को देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही हो। कोरोना के दौर में तबलीगी जमात को भी देश विरोधी कहते हुए कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार है और एक कोरोना जिहाद है कहा गया। इसी तरह हाल ही में उदयपुर कत्ल को लेकर दावत इस्लामी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को तक जोड़ा गया। दहशतगर्दी के जुर्म में हजारों नौजवान गिरफ्तार तो किए जाते हैं, खबरें भी इसी तरह की चलाई जाती हैं जैसे अभी चलाई जा रही है और 4 साल 8 साल 12 साल जेलों में रख कर रिहा कर दिया जाता है। ये कांग्रेस के दौर में भी हुआ है और अब तो भाजपा के दौर में उरूज पर है। मतलब एक या कोई भी इख्तदार में हो किसी तरह बहाना बनाकर गिरफ्तारियां अमल में आ ही जाती है। अब जब बड़े शोर शराबे के साथ सुबह शाम डिबेट और बहस मुबासे और सुर्खियां चलाकर गिरफ्तारियां हो तो जाती हैं लेकिन जब रिहा हो जाते हैं तो अखबार में किसी कोने में खबर छपती हुई नजर आती है। हम ये नहीं कहते कि मुजरिमों को सजा नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, जो भी हो, इस मुल्क के खिलाफ साजिश करता हो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए और सजा भी हो। लेकिन जब ध्रुव सक्सेना, आपको शायद याद नहीं होगा, ध्रुव सक्सेना जो भाजपा का आईटी सेल का जिम्मेदार 2017 में पाकिस्तान के मुखबिरी करता हुआ पकड़ा गया तो इन्हें फौरन आजाद कर दिया गया। कई गैर मुस्लिमों की तवील फहरिस्त है जो भारत की मुखबिरी करते हुए पकड़े गए। लिहाजा इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई और किसी एक समाज को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अगर वो दूसरे समाज का होता है तो वहां लीपापोती वाला मामला भी देखा जाता है लेकिन जब मामला मुसलमानों का हो तो इस पर तमाम प्रचार तंत्र और मीडिया टूट पड़ती है। पीएफआई कई सारे देश विरोधी कामों में मुलविस होने की कहानियां सुनाई जा रही है। अगर वाकई मुलविस है तो फिर इस पर इससे पहले पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जहां मुल्क हिंदू राष्ट्र के नजदीक पहुंच चुका हो, कुछ ने तो मुल्क का संविधान मनवा दिया ना खत्म करने की तक तस्दीक कर ली हो और ऐसे वक्त में भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश, ये भी बात कुछ हजम नहीं होती दिख रही। अब जैसे सीपीआई के गोपाल रविदास ने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है तो इस पर भी सभी को सोचना होगा। मैं एक तरफा फैसला दुरुस्त नहीं होगा और ना इंसाफी होगी। और वैसे भी दहशतगर्दी के जुर्म में कई नौजवान गिरफ्तार हुए, फिर अदालत ने इन्हें बाइज्जत रिहा भी किया। आज तक बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया मालूम नहीं क्योंकि अदालत ने तो जो भी मुजरिम थे इन्हें सबूत ना होने की बिना पर रिहा भी कर दिया गया। तो क्या वाकई पीएफआई के जो दो अफराद गिरफ्तार किए गए
अगर मुजरिम होंगे तो सजा होगी और सबूत मुकम्मल ना होंगे तो रिहा भी होगी। लिहाजा भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की महज बातें किस हद तक मायने रखती है। अब ऐसे कई लोग इस समाज में पाए जाते हैं जो भारत के सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट को तक गाली दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन मतलब एक तरह से देशद्रोह ही है। लिहाजा सजा किसी को भी हो धर्म की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए बल्कि जुर्म की बुनियाद पर होनी चाहिए। PFI पूरी तरह से निशाने पर रहने की वजह यह भी है कि हमेशा RSS हिंदुत्ववादियों की मुखालफत में पेश रहा है। केरला, मैंगलोर, तमिलनाडु, बंगाल में काफी सरगर्म होने की बात कही जाती है। केरला में 26 जनवरी और 15 अगस्त को PFI के कारकुनान परेड भी करते हैं। लिहाजा SSP मनोजीत सिंह ढिल्लों ने RSS का भी दहशतगर्दी के जमरे में जिक्र किया तो इनके खिलाफ भी आवाजें उठनी शुरू है। RSS और PFI को एक तरह बताने से संगीत तिलमिला उठे हैं। आखिर इस तरह का मुवाजना किया क्यों है? खैर, आज PFI के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और मुस्लिम राष्ट्र 2047 में मंसूबा होने के दस्तावेज मिलने की बात भी कही जा रही है। जिस तरह CPI और दिगर पार्टियों ने भी इस साजिश का हिस्सा कहा है, इसमें एक और खास बात का जिक्र ये भी रहा कि वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल की साजिश भी PFI अंजाम देने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह मौजूदा हालात, मौजूदा हुकूमत, फिर चाहे भाजपा की मरकजी हुकूमत हो या फिर बिहार की नीतीश की हुकूमत, दोनों तो फिरका परस्तों की पुश्त पनाही पर ही चलने वाली है। और आज के दौर में जहां अदलिया, इंतजामिया और सत्ता विरोधियों को किसी तरह बख्शा नहीं जा रहा, मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने पर और बढ़ती सांप्रदायिकता पर बोलने को लेकर साबिक नायब सदर हिंद हामिद अंसारी को तक बख्शा नहीं जा रहा, लिहाजा ऐसे दौर में PFI क्या कोई और तंजीम भी हो कोई बहुत बड़े काम को अंजाम देगा शायद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। सवाल तो जरूर उठाए जा रहे कि क्या PFI की आड़ में मुसलमानों को तो निशाना नहीं बनाया जाएगा। इन तमाम सवाल के जवाब भी आने वाला वक्त ही देगा, तब तक हमें इंतजार करना होगा। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया भाई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है, PFI वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजोरिटी कम्युनिटी। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाओगी लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराए। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है, इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सीनेरी ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड PE कैडर्स, हम अपने PE कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज, हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स PFI हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम, पिछले कुछ सालों में टर्की से PFI ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा पूरे 8 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट से वो ये बिहार विधानसभा में उसने हथियार लेके हम लोगों के ऊपर पिटाई किया है, लोकतंत्र के मंदिर को संसार करने का काम किया है, क्यों नहीं सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है? उसको बजाबते लाकर यहाँ नीतीश कुमार रखे हुए है और ये दंगाई है बढ़ावा दे रहा है। फुलवाड़ी को नए सिरे से बदनाम करके 2024 का रिहर्सल चल रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करो और यहाँ वोट की राजनीति करो। आज बेलगाम शहर और अतराब में धुआंधार बारिश बरसने से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा हुआ जिससे आवाम को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। बेलगाम जिले के अतराब में नदियों का पानी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से कोयना डैम का पानी फिर छोड़ा गया जिससे कुड़ची चिकुड़ी जो नदियों के किनारे पर गांव है इन्हें चौकन्ना रहने का इशारा दिया गया। NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया। डीसी बेलगाम नितेश पाटिल और पुलिस अफसर संजय पाटिल की टीम ने आज नदियों के किनारे के जो गांव हैं इनका जायजा लिया। कृष्णा नदी से फिलहाल 1 क्यूसेक पानी बह रहा है। चिकुड़ी हल्के के दूधगंगा, वेदगंगा, कृष्णा नदियां भी उफान पर है। महाराष्ट्र के कोंकण में भी भारी बारिश हो रही है तो बेलगाम और अतराप में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गोकाक का फॉल्स भी पूरी कुव्वत के साथ गिरते हुए देखा जा रहा है। जिला में अब तक 28 जानवरों की मौत हो चुकी है। रियासत में 32 अफराद इस बारिश में हलाक हुए हैं। नदी के किनारे
34 गांवों को अलर्ट रहने का इशारा दिया गया है। इससे पहले बारिश में गिरने वाले घरों के नुकसान भरपाई दी गई, ऐसा भी डीसी ने बताया। तकरीबन 317 मकान जिनके मकान गिरे हुए थे इनके खाते में भी रुपए जमा होने की इत्तला दी गई। मुसलसल बारिश से फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडराते हुए देखा जा रहा है। इस साल भारी बारिश की वजह से पूरे मुल्क में बाढ़ सा माहौल देखा जा रहा है। पूरा मुल्क पानी की जद में आ चुका है। कई गांव, कई शहर, कई जगहों पर लोग लाखों की तादाद में बेघर होते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा आइए पूरे मुल्क में बाढ़ की तस्वीर, बाढ़ के मंजर को भी देखते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कहाँ भी है देखो भाई दरवाजा खोलता नहीं तो मैं